सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं दो खाना दो कड़ी रोटी है इधर में तो चावल है ना, रोटी खाना रोटी के साथ तो और अच्छी लगती है। तो यार अभी थोड़ी देर में खाना खाएंगे, उससे पहले तो यार आज मैं दोबारा एक अच्छी सी पोर्ट्रेट बनाने वाला हूँ। और मुझे पता था कि मेरी ड्राइंग फाइल ऐसी फैली होगी। सबसे पहले रखते हैं इसे इधर और फिर वही वाला जुगाड़ करते हैं जिससे फटाफट हम ड्राइंग बना पाएँ। और जुगाड़ को करने के लिए सबसे पहले जी पहले तो पाउच ले लेते हैं यार, जो सबसे मेन काम है पाउच ले लेते हैं। इसको रखो इधर, इसको भी रखो इधर और अब बनाते हैं जो है ड्राइंग करने का। वो बक्सा फेंक दिया क्या है? बक्सा फेंक दिया मच्छर? बक्सा फेंक दिया यार। ये है, ये पता है ये वाली पेंसिल ड्राइंग के लिए क्यों यूज़ करनी चाहिए? ये वाली पेंसिल ड्राइंग के लिए इसलिए यूज़ करनी चाहिए क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट चलती हैं, तो इसलिए मैं इसका पैकेट लिया है। इन ये लीड पेंसिल होती है, 10 रुपये की आती है बस, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है अगर आप एक ड्राइंग पोर्ट्रेट बनाते हो तो। मतलब आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप ड्राइंग बना रहे हो ना, जब आप शुरू शुरू में ड्राइंग बनाओगे तो आप देखो कि इधर कुछ ऐसे ऐसे फैला सा नहीं हुआ है, ठीक है? अगर आप लाइट वेट देखो ये वाली, और अगर आप ये ऐसी ड्राइंग बनाते हो ना, देखो यहाँ से मैंने क्या गलती हो गई मेरी, देखो यहाँ पे मैंने बिना लीड पेंसिल के फ्रेंची ड्राइंग, तो ये थोड़ी डार्क चली थी, तो जब मैं इरेज कर रहा था गलत बनने पर तो फैल जा रहा था वो। देखो इसमें तो कितना ज़्यादा ही फैला हुआ है, हालाँकि वो शेड की वजह से भी होता है, पर देखो मतलब आप देख सकते हो कि यार कितना ज़्यादा फैल गया है, क्योंकि मैंने लीड पेंसिल से नहीं बनाई थी यार, जो सबसे बड़ी गलती थी मेरी। खैर इस पर अब मैं आपको देखो ये भी कितनी ज़्यादा डार्क चलती है, कितनी डार्क चलती है, मतलब सोच सकते हो यार। मैं इसलिए लीड पेंसिल लानी बहुत ज़रूरी थी यार, तो मैंने सोचा कि लीड पेंसिल को पैकेट ही ले आते हैं, तो इसे मिटवा देते हैं यार। तो इसे मिटो देते हैं और तो यहाँ पर तो कुछ दुकान का सामान रखा है, स्टिंगरिंग सब दुकान का सामान है मेरा। तो सबसे पहले तो यह जुगाड़ बिठाना पड़ेगा कि अब यार पहले मैंने कार्डबोर्ड संभाल के मिल गया थैंक गॉड मिल गया भाई साहब, पर इसकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं लग रही। तो यार क्या करे आइडिया, एक काम करते हैं इसको लेते हैं और इस वाले डब्बे को यूज़ कर लेते हैं फ़ोन को रखने के लिए। सबसे पहले इसको रखते हैं इधर, इसको भी रखो इधर। और बाकी जो कुछ बची है इसको तो हम जुगाड़ बनाते हैं सामान। अरे हाँ, जो बाकी बची है ना इसको रख देते हैं थैले के अंदर, सबसे सही काम ये कर देते हैं। मुझे बनाने के लिए चाहिए जो जितने भी ये लाहौरी जीरा बच्ची है ना, इन सबको रख देते हैं इधर की साइड ताकि अब दिक्कत नहीं होगी ना। फिर जितनी भी बच्ची है इसको रखते हैं इधर, इसको भी रखते हैं इधर। आई होप कि अब जुगाड़ बन जाए, काश इधर। तो
जैसे कि मैंने सोचा वैसे जुगाड़ बन चुका है। ऐसे ऐसे और ऐसे और अब इसे रखते हैं इधर की साइड। तो यार जुगाड़ तो बन गया अच्छा खासा। इस थके को लगा देते हैं इधर, इधर अपनी ड्राइंग फाइल रख देते हैं। हो तो फाइनली जुगाड़ तो बन चुका है। डब्बे को संभाल के रखना पड़ेगा ताकि दोबारा मम्मी ना फेंक दे इस डब्बे को। तो जैसे मैं देखूँ इसको इधर की साइड से टिकाऊंगा तो मैं आराम से, तो देखो मैं आराम से, तो खैर मैं आराम से इस पर फ़ोन रख के बना सकता हूँ। आ रहा हूँ। तो सबसे पहले यार खाना खाते हैं। दो कैसी प्लेट में देगा? तो यार पहले तो खा लेते हैं खाना, उसके बाद बनाते हैं ड्राइंग।
बताना आपको वीडियो कैसी लगी, मतलब आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगी, और मतलब मैंने ये एक एनिमे सीरीज से करेक्टर लिया है गूगल से सर्च करके, तो आप भी, मैं उसका नाम तो नहीं पता पर यार मुझे अच्छा लग रहा था देखने में, इसलिए मैंने सोचा कि इसे बना लेता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार प्लीज़। चलो बाय, नहीं बाय।